Hello everyone, this is Mahishpal, welcomes you all. In today's session, basically this is not session, it's just a message for all students who are going to pursue any type of exam, whether the competitive exam or the board exam. Basically this video mainly focuses on the students who are going to pursue for the board examination, either the 10th or the 12th examination. Furthermore, चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, बिकॉज एक जस्ट मैसेज कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप सभी के लिए कि एज द टाइम इज कमिंग के आपके बोर्ड आने वाले हैं दोनों तरीके से, आप चाहे 10th क्लास के हों या 12th क्लास के हों, और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है दिस इज़ फॉर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। मोर ओवर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी उस प्रिपरेशन को जज करेंगे कि आप एक्चुअल वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। सभी स्कूलों में ऑल ओवर एज पर द CBSE नॉर्म्स प्री बोर्ड आने को हैं। जस्ट प्रायर टू प्री बोर्ड एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाइए, जो स्ट्रेटेजी आपको आगे बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एंड दैट इज़ अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, राइट। अब बारी बारी से दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले जैसे 10th क्लास के बारे में बात करते हैं। 10th क्लास इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर करियर, आपके जो एकेडमिक करियर रहेगा, जो आपकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ का जो फर्स्ट एग्जाम रहता है ऑफिशियल, दैट इज़ द 10th बोर्ड एज पर द न्यू नॉर्म्स। वो चीज़ आगे ख़त्म हो जाएगी, बट अभी प्रेजेंट में तो है। और इस फर्स्ट स्टेप को आप किस तरीके से क्रॉस करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस। चीज़ें क्या हैं, बड़ी नॉर्मलाइज वे में है। आपको स्ट्रेटेजी अपने लिए तैयार करनी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप किसी भी बोर्ड स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा समझें तो दैट स्टूडेंट हैज 6 सब्जेक्ट्स, है ना, 5 or 6 इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स एंड द साइंस, द चाइल्ड हैज़ द सोशल ऑल्सो। ओके, बेसिकली यहाँ यूपी बिहार में ये वाले सब्जेक्ट चलते हैं साउथर्न साइड पे, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं एज पर द CBSE, लेकिन ये वाले सब्जेक्ट तो हैं। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम के इन विच यू हैव टू फोकस ऑन द स्कूल एज वेल एज योर कोचिंग क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सेव टाइम फॉर योर सेल्फ टू, बिकॉज एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आएगा वो उस चीज़ का आएगा आप जो उसमें लिख कर कहेंगे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, नॉट ऑफ द स्कूल, नॉट ऑफ द कोचिंग। सो सबसे पहली चीज़ निकल करके ये आती है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ स्टडीज। जहाँ से भी टाइम बच सकता है उस टाइम को बचाएं और उस टाइम को अपने ऊपर लगाएं। जैसे एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो जैसे स्कूल कोचिंग सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए चलें कि 6 आवर्स का स्कूल हो गया और क्योंकि 2 or 3 आवर्स की आपकी कोचिंग हो गई। ओके, तो 6 + 3 इट्स 9, एंड आफ्टरवर्ड्स आपका 6 घंटे की स्लीप, बिकॉज स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल के जो कि आपको प्रॉपर रिफ्रेशमेंट देगा, राइट। तो 9, 6, 15 हो गया, 2 घंटे और ऊपर लेकर के चलते हैं, इट्स 17 आवर्स फ्रॉम द 24 आवर्स। 24 आवर्स में 17 आवर्स का आपका लगा बंदा है स्केड्यूल। बस बात निकल करके आती है कि 7 घंटे में से आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं फ्रॉम दैट 7 आवर्स, और स्कूल और ये कोचिंग की क्लासेस को अगर हटा दिया जाए, और अगर तभी भी अगर आप 3 या 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज स्कूल या कोचिंग में कहीं पर भी जाकर भी आप अपना रिविज़न ही करते हैं। द प्रायोरिटी इज़ दैट के हाउ मच टाइम यू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ एनी टाइप। ओके ना, मैथ्स और साइंस तो बच्चे की चलती रहती हैं, बिकॉज ये तो हर जगह पढ़ाई जाएगी। दिक्कत आती है सोशल साइंस की, राइट, बिकॉज सोशल साइंस की एज फार एज माई नॉलेज गोस के सोशल साइंस की इतनी ज़्यादा कोचिंग्स भी नहीं रहती हैं, ऐसा नहीं होती, नहीं होती हैं बट उतने ज़्यादा नहीं रहता है, एंड सोशल साइंस इज़ कम्प्लीटली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई तो वो हो गई ना, वॉट यू कैन डू इन दैट। ओके, साइंस में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा लॉजिक लगाता है, बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाता है, तो थोड़ा सा उसको समझ में आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उस इंटरेस्ट वाली चीज़ को ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू दैट। सोशल में भी इंटरेस्ट है, बस पढ़ाने वाले पर वो मैजिकल पावर होनी चाहिए कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बताया कि सोशल भी है, साइंस भी है, एंड आपके पास में मैथ्स भी है, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स, है ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आपके पास में कंप्यूटर इंग्लिश है या हिंदी है, वॉट एवर इट मे बी। लेकिन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है कि मैथ साइंस तो चलती रहेंगी, सोशल को टारगेट कीजिए, बिकॉज जहाँ तक मेरा मानना है, when I was in the board examination and I had to give that first on the pehli baar jab maine diya tha, to I just prepared for the social, na social ko itni zyada priority di thi, because from this time
कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स तो आपके फेब में पहुंचते हैं राइट ना, फेब मार्च का, वो मार्च को काउंट नहीं किया जाता, फेब में ही देखो। तो नवंबर से वी जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द सोशल स्टडीज राइट, सोशल स्टडीज़ के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ को लिख लिख करके देख रहे हैं, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज सप्लीमेंट्स यू कैन ऑल्सो गिव योर 100% फॉर दिस वैल्यूएबल एग्जामिनेशन, ओके ना। तो इस तरीके से चीज़ें, ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं भाई ट्वेल्थ के बारे में, बेसिकली ट्वेल्थ एग्जामिनेशन का बच्चा चाहे आर्ट साइड का हो, कॉमर्स साइड का हो, साइंस साइड में मैथ्स का हो या बायो का हो, एक नई चीज़ और चली है कि पीसीएम भी नई नहीं है, पहले से है, पीसीएम भी के बच्चे के पास में मैथ्स भी है, बच्चे के पास में बायो भी है, दोनों ही सब्जेक्ट को डील करना है। तो ट्वेल्थ एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज ये कि जितना जल्दी हो सके अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें राइट, फ्रॉम द मतलब बाय द एंड ऑफ नवंबर और द मिड दिसंबर आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पूरे तरीके से फिनिश करें। बिकॉज जो बच्चे पहले से ट्वेल्थ दे चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, जो लोग ट्वेल्थ दे चुके हैं ऑलरेडी, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और उन्होंने खुद भी इस चीज़ को किया कि लास्ट मोमेंट पर वी जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, वी जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट्स, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। मोरओवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखता है और थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरिटिकल की एक बात क्या रहती है, थ्योरिटिकल का ये है कि आप उसको जितना जल्दी फिनिश कर देंगे ना, वो उतना आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। कंसेप्चुअल में क्या रहता है, जहाँ पर फॉर्मूला मेकिंग चीज़ें रहते हैं कि यू रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, यू रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस राइट, एज वी हैव सीन इन द फिजिक्स, फिजिक्स के एग्जाम्स होते हैं, या फिर मैथ्स रहा, मैथमेटिक्स में यू नो द कंसेप्ट, यू नो द क्राइटेरिया, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, यू नीड टू लर्न दैट इम्प्लीमेंटेशन। आप उसको इम्प्लाई कैसे करेंगे, आपके पास में कंडीशन दी हैं, हाउ विल यू अप्लाई द कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बायोलॉजी में इतनी प्रैक्टिस की, मतलब उस लेवल की कि आपको मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, लिख लिख करके देखना है। बायोलॉजी में एज कम्पेयर टू दीज सब्जेक्ट्स के फिजिक्स है, या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन, केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में तीनों ही चीज़ें रहती हैं, उसमें आपकी थ्योरेटिकल भी है, उसमें आपका कंसेप्चुअल भी है, उसमें आपकी न्यूमेरिकल्स भी है। तो केमिस्ट्री दोनों दोनों में रहती है। अब जैसे अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन को आप पहले फिनिश कर लीजिए, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कम्प्लीटली द थ्योरेटिकल टॉपिक। इनऑर्गेनिक में थ्योरी है, एक्सेप्शंस हैं, पॉइंट पॉइंट पर एक्सेप्शन मिलेंगे, कहीं पर भी पीरियोडिक टेबल है, पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, लेकिन हर पॉइंट पर उसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, हर एक एलिमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो बच्चे के लिए रहता है, लास्ट मोमेंट में बच्चा बहुत ज़्यादा हैक्टिक फील करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करेगा, बिकॉज कंडीशंस ही ऐसी होती हैं। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव प्रेशर रखें, पॉजिटिव प्रेशर इन द सेंस कि ये चीज़ दिमाग में रहे कि हाँ जी इतना है सिलेबस एंड वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इतना प्रेशर, इससे ऊपर नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात की जाए तो उनके भी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशंस अभी कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं है, बट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे तो सही। तो द सेम मैसेज फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स टू, आपको भी क्या करना होता है, बिकॉज ग्रेजुएशन वाले थोड़े से सीनियर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दीज स्कूल स्टूडेंट्स, ओके ना, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद में वो कॉलेज में पहुँच गए। तो लेकिन एक चीज़ ये सब सभी के लिए कॉमन रहती है, दैट इज दैट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कॉलेज में जाकर के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, बिकॉज कोचिंग वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कॉलेज में जाकर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पक गए आम शब्दों में बोला जाए जितना आपने सीखना था। क्योंकि कॉलेज में जब आप पहुँच गए ना, तो आप पढ़ना सीख गए, अगर आप एक्चुअल में पढ़ रहे हुए हैं तो, ओके, आपको कॉलेज में जाकर के कोचिंग्स की जरूरत नहीं रहती है। और उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी, दोस्त पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाइफ कंडीशंस अलग हैं, उसके पास में टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके का है, आपके पास में टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके का है। अपने लिए अपनी स्ट्रेटेजी सेट करें एंड देन उनको इम्प्लाई करें। सभी के लिए यह है, बिकॉज कॉलेज में तो थोड़े से प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, आपके पास में ZBC हो गया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए जो, और उन स्पेसिफिक में भी उसके पास में उसके बाद में डिटेलिंग हो गई, तो आपको तो पढ़ना पड़ता है ना। कॉलेज स्टूडेंट्स का ये है, हर स्टेज पर जो है डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसी इन द सेंस उस पर बच्चे के लिए, जैसे जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए 11th बहुत छोटी चीज़ होगी, बहुत छोटी इन द सेंस कि थोड़ी ईजी एज़ कम्पेयर टू 11th स्टूडेंट्स, अगर आप 11th को ही देखें तो। और जो बच्चे बोर्ड क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बोर्ड बड़ी चीज़ नहीं है, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए ग्रेजुएशन छोटी चीज़ हो गई, जिनकी PG हो गई उनके लिए ग्रेजुएशन PG दोनों चीज़ें छोटी हो गई। लेकिन एक PG वाले बच्चे के लिए PG का लेवल,
एक टेंथ वाले बच्चे के लिए टेंथ का लेवल और नाइन्थ वाले के लिए नाइन्थ का लेवल उतनी ही डिफिकल्टी का रहता है जितना होता है उसके लिए, क्योंकि उसका आईक्यू ही उसी लेवल का रहता है। अगर ज़्यादा होता तो वो ऊपर की क्लास में होता, कम होता तो वो उसके नीचे की क्लास में होता, पर ऐसा नहीं होता। ओके, तो एज पर योर एकेडमिक लेवल योर डिफिकल्टी लेवल मस्ट गिवन टू यू बाय द नॉर्म्स, एज पर द नॉर्म्स जैसी भी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आती है कि यू हैव टू मैनेज द टाइम, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखें। टाइम मैनेजमेंट आपका आपके हाथ में है, जहाँ से भी समय बच सके समय बचाएं। कोई ज़रूरत नहीं है भाई किसी फंक्शन में जाने की, बिकॉज फंक्शंस आपके बिना हो सकते हैं, पढ़ाई आपके बिना नहीं हो सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है सेलिब्रेट करने की, किसी भी तरीके की चीज़ है भाई सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना। ओके, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फेस्टिवल हर साल आना है, हर साल बोर्ड का एग्जाम थोड़े ना देना है। हर साल अगर बोर्ड का एग्जाम ही देना पड़ गया तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखें और प्रॉपरली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी कैसी भी रिक्वायरमेंट, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पर्सनली वो अच्छे से जानते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट हो जस्ट मैसेज मी वंस, है ना, और मैं जितना हो सकता है मेरी तरफ से आई विल हेल्प यू। ओके ना, ओके देन, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस।